शाजापुर जिले के पोलाय कला में मध्य प्रदेश की सरकार के विरोध में भाजपा के पोलाय कला मंडल का धरना प्रदर्शन बस स्टैंड पर रहा, जिसमें भाजपा के नेता प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर खूब बरसे। जी हां, हम आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को यूरिया नहीं दे पा रही है, बिजली नहीं मिल पा रही है, किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, बोनस नहीं दिया जा रहा है और बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं 2 लाख अभी तक माफ नहीं किए गए। विधानसभा चुनाव के पूर्व किए गए समस्त वादे पूरे नहीं किए गए। इन सभी मांगों को लेकर पोलाय कला तहसील में नगर के बस स्टैंड पर धरना देते हुए उपस्थित किसानों को संबोधित भी किया, जिसमें मंडल के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। पार्टी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की संगठन इकाई होती है मंडल, ऐसे हमारे शाजापुर जिले के अंदर 15 मंडल है। हर मंडल के ऊपर ऐसा धरना दिया है किसानों के हक में, किसानों का हित में धरना दिया है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार, कमलनाथ जी की सरकार, सरकार में आने के पहले जो जो वादे किसानों के हित में उन्होंने किए थे, वो वादे हम याद दिलाने के लिए आज हर मंडल में बैठे हैं। चाहे वो कर्ज माफ़ी की बात हो, यूरिया संकट जो इस समय किसानों पर लगा हुआ है ग्रहण की तरह, उस यूरिया संकट से मुक्ति की बात हो, चाहे वो मुआवजे की राशि की बात हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा भेजे गए 6,000 के किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे वो बिजली के बिल की बात हो या बिजली संकट की बात हो, ये सारी बातें कांग्रेस सरकार को याद दिलाने के लिए हम यहाँ बैठे थे कि कांग्रेस सरकार अब भी समय होश में आओ, आपको 1 साल पूरा हो गया है, आपने 2 लाख का कर्जा 10 दिन के अंदर माफ़ करने का जो वादा किया था वो निभाओ, आप यूरिया से संकट से किसानों को मुक्ति दिलाओ, ये सब बात करने के लिए आज हमें इकट्ठे हुए। हमारा एक ही नारा है, याचना नहीं अब ऋण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी जेल जाने से डरे नहीं है, आंदोलन करने से, लाठियां खाने से डरे नहीं है। किसानों के हक में, किसानों के हित में जेलें भरना पड़ी तो भरेंगे, लाठियां खानी पड़ी तो खाएंगे, लेकिन किसान को उसका हक दिया। भारत माता की। न्यूज़ इंडिया A9 पोलाय कला से मनोज विजयवर्गीय की रिपोर्ट।